नमस्कार, आज के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। पंचायतों से बदलती ग्रामीण भारत की तस्वीरें। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज भी गांव में सभ्यता और संस्कृति के साथ प्राकृतिक सुंदरता भी विद्यमान है और इसी सुंदरता से निर्माण होता है खूबसूरत भारत का। भारत की 70% से अधिक आबादी गाँव में बसती है और जिसके संचालन का भार पंचायत पर होता है। भारत देश के विशाल, सशक्त, समृद्ध और पारदर्शी लोकतंत्र में पंचायतों को सतत, समेकित और समावेशी विकास के लिए तैयार किया जा रहा है और जिसमें मददगार साबित होते हैं 9 संकल्पित लक्ष्य, जिनसे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है और एक नए भारत का उदय हो रहा है। भारत के विकास के साक्षी हैं गाँव और गांवों को उन्नत बनाने का निरंतर प्रयास जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लक्ष्य व्यापक रूप से विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को सम्मिलित करते हैं और गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करने पर केंद्रित है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है स्थानीय स्तर पर इन लक्ष्यों को जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के स्तर तक चर्चा में लाया जाए और योजना निर्माण क्रियान्वयन में केंद्रों में रखा जाए। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर पर इन्हें हासिल किए बगैर राज्य और देश स्तर पर अपेक्षित सफलता हासिल करना संभव नहीं हो पाएगा। संकल्पों से सवरता ग्रामीण परिवेश। स्थानीय स्तर पर इन्हें प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि एक तो ग्राम पंचायतें इन स्थानीय लक्ष्यों में अपनी प्राथमिकता को तय करें। जैसे हो सकता है कोई पंचायत अगले 2 वर्षों में किन्हीं 2 लक्ष्यों पर फोकस करे और उसी के अनुसार अपने संकल्पों का चुनाव करे, और दूसरा कि पंचायतें अपने संसाधनों की कार्य योजना उसी दिशा में बनाए और इस कार्य में जन योजना अभियान, पीपल्स प्लान कैंपेन के अंतर्गत बनने वाली GPDP कार्य योजनाओं को थीम आधारित बनाया जाना चाहिए। पंचायतों द्वारा थीम आधारित कार्य योजना निर्माण के लिए संकल्पों का चुनाव कर लिए गए संकल्पों को meetingonline.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके लिए पोर्टल पर वाइब्रेंट ग्राम सभा पर क्लिक करके ग्राम सभा आयोजन की जानकारी जैसे डेटा, उपस्थिति आदि दर्ज करते हुए संकल्पों का चयन कर पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। पंचायत द्वारा संकल्पों का चयन कर अपने संसाधनों को उस दिशा में प्रयुक्त किया जा सकता है और पंचायत क्षेत्र में आने वाले अन्य संसाधनों का भी बेहतर प्रबंधन कर उसे हासिल किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण ये है कि थीमैटिक GPDP कार्य योजना निर्माण के लिए पंचायती राज प्रतिनिधि, समुदाय आधारित महिला संगठन सदस्यों और विभिन्न विभागीय अमले को LSDG लक्ष्यों की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए 17 उद्देश्यों को समाहित करती 9 विषयगत क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया है। सभी पंचायतों से अपनी ग्राम पंचायत के वार्षिक प्लान को इन्हीं थीम के आधार पर तैयार करने का आह्वान किया गया है। इस तरह पंचायतें अपने सीमित संसाधनों और विभागों के साथ समन्वय और अभिसरण कर इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी कार्य योजना का निर्माण करेंगी। पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत में थीम संकल्प आधारित कार्य योजना का निर्माण सुचारू ढंग से कर सकें और इन्हीं थीम या संकल्प लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सके। इसके लिए कुछ प्रारूप तैयार किए गए हैं जिसे 9 थीम या संकल्प के अंतर्गत बताया गया है। ये 9 थीम या संकल्प कुछ इस तरह हैं। थीम 1, गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत पंचायत। थीम 2, स्वस्थ पंचायत। थीम 3, बाल हितैषी पंचायत। थीम 4, पर्याप्त जलयुक्त पंचायत। थीम 5, स्वच्छ एवं हरित पंचायत। थीम 6, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत। थीम 7, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत। थीम 8, सुशासन वाला पंचायत। थीम 9, महिला हितैषी पंचायत। उक्त थीम आधारित कार्य योजना निर्माण में साक्ष्य या एविडेंस कितने महत्वपूर्ण है, आइए अब ये समझते हैं।
कई समय से ये कोशिश की जा रही थी कि पंचायतों के अंदर बनने वाली GPDP या ग्राम पंचायत कार्य योजना साक्ष्य आधारित हो। हालांकि कई तरह के सर्वेक्षण इसके पहले भी चलते आए हैं, मिशन अंत्योदय सर्वे और कई तरह के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण से हम पंचायतों की योजना का निर्माण कर रहे थे, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि पंचायतें इन आंकड़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इकट्ठा करें और इनके आधार पर अपनी कार्ययोजना बनाएं। भारत सरकार ने अभी वर्तमान में PDI या पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया है। देखिए, पंचायतों को अपनी कार्ययोजना के निर्माण के लिए और खासकर अपने विकास को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता लगे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किस तरफ जाना है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स या कहना चाहिए जो पंचायत के विकास सूचकांक है, लगभग 544 इंडिकेटर भारत सरकार ने जो भी वर्तमान में लॉन्च किए हैं, ये पंचायतों को अपनी योजना को मजबूत करने में एक नई दशा दिशा देंगे। खासकर पंचायत तो ये देख पाएंगे कि जो अपने स्थानीय विकास लक्ष्य हैं या सतत विकास लक्ष्य हैं, जो लोकलाइजेशन SDG गोल्स हैं, उसको लेकर पंचायतें किस दिशा में काम कर रही है और उनको उस पंचायतों को उस दिशा में कहाँ तक पहुँचना है। ये इंडेक्सेस कई सारे विभागों के माध्यम से संग्रहित किए जाएंगे और पंचायतों के ऊपर ये पूरा एक सूचकांक हमको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम ये देख पाएंगे पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और अन्य सभी विषयों में किस दिशा में प्रगति कर रही है। ये निसंदेह कहना यहाँ पर ज़रूरी होगा कि पंचायतें इन PDI के माध्यम से आपस में ये भी देख पाएंगी कि उसी क्षेत्र की अन्य पंचायतें किस तरह से तरक्की कर रही हैं या उन पंचायतों में किस तरह से विकास कार्य हो रहा है। पंचायतें ये भी देख पाएंगी कि वो किन विषयों में पिछड़ी हुई हैं और उनको उस विषय में अपने संसाधनों को ज़्यादा प्रयुक्त करने की ज़रूरत है। ये पंचायत डेवलप इंडेक्स निसंदेह भविष्य में पंचायतों को सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। GPDP कार्ययोजना के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी हो कि पंचायतों के पास में उस तरह के एविडेंसेस हो या उस तरह के साक्ष्य हो जिससे वो तय कर पाए कि अपने संसाधनों को किस दिशा में प्रयुक्त करना है। PDI या पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पंचायतों को साक्ष्य आधारित इस योजना निर्माण करने में मदद करेंगे, जहाँ पंचायतें देख पाएंगी कि वो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वच्छता में, पर्यावरण में या संसाधनों में या बेसिक मूलभूत अवसंरचना में किस जगह पर खड़ी हैं और खासकर पंचायतों को मिलने वाले संसाधन और पंचायतों के संसाधनों के अलावा जो विभागीय संसाधन हैं, कई सारे योजनाओं और कार्यक्रमों का जो पैसा, जो स्कीम बजट पंचायतों को प्राप्त होता है, पंचायतें उसको युक्तियुक्तिकरण कर पाएंगी, रेशनलाइज कर पाएंगी और पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से आने वाले वर्षों में या हम लोग कहें कि 2030 तक जो हमको सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, पंचायतें अपनी साक्ष्य आधारित योजना बना पाएंगी। पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्पों के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किन क्षेत्रों में कितना हस्तक्षेप करने की जरूरत है, इसकी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि विकास के स्तर पर वर्तमान में आप खुद को किस पायदान पर पाते हैं। इसके बाद ही पंचायतों के लिए संकल्प आधारित अपने लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। आवश्यक है कि ग्राम पंचायत द्वारा सबसे पहले अपने PDI पोर्टल अंतर्गत दिए गए संकेतों की जानकारी को पूरा करें। इससे न केवल साक्ष्य आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में आसानी होगी, बल्कि साल दर साल लक्ष्यों को निर्धारित करने, ग्राम पंचायत बजट के बेहतर उपयोग और पंचायत में संभावित अवसर और नजर आ रही कमियों को दूर करने की जानकारी मिलेगी, जिससे पंचायतों द्वारा समय सीमा के अंदर इन संकल्प लक्ष्यों को निर्बोध तरीके से हासिल किया जा सकेगा। तो आइए अगले सत्र में हम गरीबी मुक्त आजीविका, उन्नत पंचायत संकल्प को कैसे हासिल कर सकते हैं, इस विषय में समझेंगे।